दोस्तों ये है गोदरेज का 1.4 टन का 5 स्टार इन्वर्टर एसी। इसको मैंने अमेज़न से मंगाया है ग्रेट इंडियन सेल में, और इसकी जो प्राइस थी वो थी 36,000 रुपये, 3,500 रुपये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर डिस्काउंट हो गया था, तो ये 32,500 रुपये की पड़ी है। ये आज ही डिलीवर हुई है, ये भी पैक है। डिलीवरी के टाइम इसको खोल के चेक किया गया था, बाकी वापस से इसको डिब्बे में रख दिया गया है। बाकी इसके स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं वीडियो पास करके, और 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है और 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी है। और यह है इंडोर यूनिट, ये देखिए मैंने निकाल के रखा हुआ है वीडियो बनाने के पर्पज़ से। और इसकी ISR रेटिंग भी आप देख सकते हैं। कूलिंग कैपेसिटी 4500 वाट है, बाकी इसका ईयरली जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वह 690 यूनिट पर ईयर, तो काफ़ी कम पावर कंज्यूम करेगी ये एसी। कूलिंग कैपेसिटी थोड़ा कम है 4500 वाट, बाकी आप देख सकते हैं गोदरेज की ब्रांडिंग इस पर की गई है, यहाँ पर इन्वर्टर लिखा गया है। बाकी पॉलीथीन को वैसे ही रहने देना है, क्योंकि इंस्टॉल करने वाले आएंगे तो वही लोग निकालेंगे, नहीं तो उसमें कुछ टूटा फूटा निकल जाएगा तो हमारी ज़िम्मेदारी बताएंगे वो लोग, और रिटर्न करने में दिक्कत आएगी, तो इसीलिए इसको वैसे ही रहने देना चाहिए। तो मैं वीडियो करके वापस से उसको डिब्बे में रख दूँगा, जैसे निकाला था वैसे ही रख दूँगा, बाकी और कुछ भी नहीं उसमें खोलूँगा। और ये रिमोट भी आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पावर केबल है, उसी के साथ कनेक्शन में ये लगेगा। बाकी इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है वो 1500 रुपये देना है। और ये देखिए रिमोट है, अच्छा वाला रिमोट है, साथ में इसके टेप भी है, स्क्रू वगैरह गुल्ली वगैरह भी इसमें दी हुई है। बाकी इंस्टॉलेशन का 1500 रुपये चार्ज, जब इंस्टॉल होगा ऐसी तब उन लोग को देना रहेगा। और ये आउटडोर यूनिट आप देख सकते हैं, तो मैंने जब ये एसी बाय किया था तो इंस्टॉलेशन का उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो जब ये एसी डिलीवर हुआ है तो मैंने अमेज़न को फ़ोन किया है कस्टमर केयर पे, तो वहाँ पर मैंने बताया है कि मैंने एसी बाय किया था तो वहाँ पर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं था, आप इंस्टॉलेशन के लिए किसी को भेजिए। तो उन लोगों ने कहा है कि ठीक है सर, आपको 24 घंटे के अंदर फ़ोन आएगा टेक्नीशियन का, तो हो सकता है आज या कल में टेक्नीशियन का फ़ोन आए और कल तक इसका इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाएगा एसी का, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये आउटडोर यूनिट आप साइड से देख सकते हैं, बाकी पीछे से भी इस तरह से है, गत्ता लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इसके डिटेल्स हैं आउटडोर यूनिट की, यहाँ पर आप वीडियो पास करके देख सकते हैं। ये एसी 5-in-1 कन्वर्टेबल है, और यहीं पर एसी को इंस्टॉल होना है, ये आप देख सकते हैं पहले से ही होल है। इससे पहले मैंने रियलमी टेक लाइफ का एसी लिया था लगभग आज से 4 महीने पहले, 2 महीने चला, उसके बाद से 2 महीने बाद वो कूलिंग करना बंद कर दिया, फिर कोई टेक्नीशियन भी उसका कुछ सही बता नहीं पा रहे थे, तो 2 महीने बाद वो रिटर्न हुआ है फ्लिपकार्ट के ज़रिए, तो उसकी जगह पर मैंने ये एसी मंगाया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।